हेलो एवरीवन वेलकम टू एन सी आर टू फिजिक्स बाय अमित पटेल क्लास अलेवेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर फोर मोशन इन अ प्लेन लेक्चर नंबर फोर पॉइंट टू टॉपिक्स ऑफ दिस लेक्चर आर ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंपटेटिव लॉ रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वैक्टर तो चलो स्टार्ट करते वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट दैट इज ट्राएंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन इसको हम हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं वैक्टर एडिशन के लिए तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल के किसी दो साइड से आप रिप्रेजेंट करो दो वैक्टर को ठीक है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में मतलब जितना एंगल होगा वही एंगल के साथ ठीक है द साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर दैन द रिजल्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूँ मानो कि यहाँ पे दो वेक्टर है एक है वेक्टर पी और दूसरा कौन है वेक्टर क्यू तो अगर ये दो वेक्टर की आपको एडिशन करनी है तो आपको क्या करना है कि वेक्टर पी के जो हेड ए वेक्टर पी का क्या होगा हेड होगा ठीक है और ये वेक्टर क्यू की क्या होगी टेल होगी ठीक है तो आप क्या करोगे वेक्टर पी के हेड के ऊपर वेक्टर क्यू की आप टेल को प्लेस्ड करोगे सेकंड थिंग कि ये जितना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे ना वही एंगल के साथ यहाँ पे प्लेस्ड करोगे आप देखो यहाँ पे, तो ये वेक्टर पी ठीक है तो ये वेक्टर पी का हेड और वेक्टर क्यू की यहाँ पर मैंने टेल रख दी ठीक है तो ये देखो ये ट्राइंगल की दो साइड बन गई कि नहीं तो ये जो थर्ड साइड है थर्ड साइड है आपकी अपोजिट ऑर्डर में तो वो आपको क्या देगी यहाँ पे रिजल्टेंट तो देखो वेक्टर p प्लस क्यू तो ये इनका रिजल्टेंट बन गया आपको खाली याद कितना रखना है यहाँ आप पे आप यहाँ पे खाली याद कितना रखोगे कि आपका जो वेक्टर p है उसके हेड के ऊपर इसकी टेल रखनी है वेक्टर q की क्लियर तो ये ट्राइंगल की दो साइड बन गई ठीक है और ये आपकी रिजल्टेंट बन गई थर्ड साइड तो ये आपका वेक्टर एडिशन होगा क्लियर तो यहाँ पे आप देखो आपको सब एक्सप्लेन करके दिया है कि वेक्टर पी कौन है वो ये ठीक है वेक्टर पी फिर ए टू बी आपका वेक्टर क्यू फिर उनको आपने ऐड किया क्लियर तो ये आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा पी प्लस क्यू समझ में आ कि नहीं सबको सिंपल है ना क्लियर चलो एक दो और मैं एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर है वेक्टर बी एंड वेक्टर ए तो आपको दो एडिशन फाइंड आउट करने एक आपको करना है ए प्लस बी और दूसरा करना है बी प्लस ए तो फर्स्ट देखते ए प्लस बी के लिए वेक्टर ए प्लस बी चलो तो वेक्टर ए प्लस बी मतलब ए के हेड के ऊपर बी की टेल आएगी ठीक है थीके? तो फर्स्ट में वेक्टर ए को कापी करूँ देखो सेम टू सेम ठीक है क्लियर चलो तो वेक्टर ए का हेड यहाँ पे ना वहाँ पे आप क्या करोगे ए वेक्टर बी की टेल को प्लेस्ड करोगे देखो सेम टू सेम डिटो कॉपी करना है आपको ठीक है डिटो आप इनको कॉपी करोगे तो ये आपका क्या बन गया वेक्टर बी ट्राइंगल की दो साइड बन गई तो अभी ये जो होगा वो उनका क्या बन जाएगा रिजल्टेंट ये देखो ये दोनों की क्या बन जाएगी रिजल्टेंट यहाँ पे यस और नो क्लियर तो ये आपका आर हो जाएगा इसके बराबर बनेगा आर विल be इक्वल टू ए प्लस बी क्लियर चलो फिर फाइंड आउट करते बी प्लस है अब देखो बी प्लस है मतलब बी के हेड के ऊपर a की टेल आएगी यस और नो बी के हेड के ऊपर वेक्टर ए की टेल तो ये वेक्टर बी मैंने कॉपी किया यहाँ पे देखो ये आपका वेक्टर बी मैं कॉपी कर लूँ तो ये आपका वेक्टर बी अब बी का हेड यहाँ पे ठीक है तो उसके ऊपर एक ही टेल है मतलब एक को कॉपी करो यहाँ से देखो को कॉपी करो मैं दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर ए चलो सो दिस विल बी दिस विल बी वेक्टर बी प्लस ए ये क्या बनेगा आपका वेक्टर बी प्लस ए समझिए सिंपल है एकदम वेक्टर एडिशन मेथड क्लियर ये आपने किया वेक्टर एडिशन क्लियर सबको चलो फिर नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखते वेक्टर सब्ट्रैक्शन अब देखो यहाँ पे मैं नोट्स में इनको एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ कि मानो कि एक है वेक्टर ए और ऐसी कोई वैक्टर बी है ठीक है यहाँ पे देखो ऐसे मानो की वैक्टर बी चलो ए प्लस बी आपने देख लिया ए प्लस बी करूँ तो ये ऐसे होगा ना वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी की क्या आ जाएगी टेल मतलब ऐसे होगा देखो ये वेक्टर ए को मैंने कॉपी किया और ए वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल ठीक है चलो तो ये क्या मिल गया आपको वेक्टर ए प्लस बी लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको फाइंड आउट करना है सब्ट्रेक्शन मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है समझे कि नहीं आप ठीक है सबट्रैक्शन करना है तो देखो इनको एक स्टेप में आगे और करता हूँ कि ये जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर यस और नो ठीक है तो ये जो बी वेक्टर है वो ये वाले डायरेक्शन में ना तो उनका नेगेटिव वेक्टर देखो ऐसे अपोजिट होगा कि नहीं अगर मानो कि यहीं पे इनसे सेम दिखा दो या तो कई साइड पे दिखा दो ठीक है तो ये देखो ये इनका नेगेटिव वेक्टर होगा कि नहीं माइनस बी वैक्टर यस और नो तो मतलब मैं बोलूँ वैक्टर ए और ए वैक्टर माइनस बी का वेक्टर माइनस बी का एडिशन है मतलब वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर माइनस बी की क्या आ जाएगी टेल ठीक है तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर ए और उसके हेड के ऊपर वेक्टर बी माइनस बी की टेल मतलब ए ठीक ए है है टेल ना उसकी माइनस बी की तो देखो ये कौन है माइनस बी वेक्टर की टेल तो ए जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इन शॉर्ट जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है जब भी आपको सब्ट्रेक्शन करना है तो आप क्या निकालोगे ऑपोजिट वेक्टर आप क्या निकालोगे ऑपोजिट वेक्टर और फिर उसी ऑपोजिट वेक्टर को आपको क्या करना है अप करना है समझ में आ कि नहीं यस और नो चलो अगर कोई बोले कि वेक्टर बी माइनस ए करो तो चलो यहाँ पे करके देख लेते वैक्टर बी माइनस वेक्टर ए तो देखो ऐसे होगा कि नहीं वेक्टर बी प्लस माइनस ए वेक्टर चलो तो ये आपका वेक्टर बी और ए वेक्टर ए है ना तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा ए वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं सेम मैग्नीट्यूड तो माइनस वेक्टर ए होगा कि नहीं ये चलो तो वेक्टर बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये देखो वेक्टर बी ए वेक्टर बी उनके हेड के ऊपर वेक्टर बी के हेड के ऊपर वेक्टर माइनस ए की टेल रखनी है मतलब ये ठीक है चलो तो ए वेक्टर ए देखो वेक्टर बी के हेड के ऊपर मैंने क्या रखा वेक्टर माइनस ए का टेल तो ये जो होगा आपका थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल वो क्या बनेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए समझ में आ कि नहीं तो ये आपका क्या होगा दोस्तों ये आपका होगा सब्ट्रैक्शन क्लियर मुझे पता है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है है कि नहीं यस और नो चलो फिर नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लो ऑफ वैक्टर एडिशन तो वैक्टर एडिशन है वो आपके एसोसिएटिव लो को फॉलो करेगी मानो कि तीन वैक्टर कंसिडर करो वैक्टर ए बी एंड सी तो उनके लिए एसोसिएटिव लोग क्या बनेगा वेक्टर A plus B, मतलब ए प्लस बी मतलब ये दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा अगर उसके अंदर वेक्टर सी को मैं ऐड करूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी का एडिशन कहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ वेक्टर ए के ऊपर भी क्लियर तो इनको प्रूव करके देखते हैं देखो ये तीन वेक्टर आप कंसीडर करो पहले मैं ये वाला आपको दिखाऊंगा फिर ये वाला ठीक है चलो तो यहाँ पे देखो आपका जो होगा फर्स्ट में क्या लेता हूँ वैक्टर ए आपको तीन वेक्टर तो पता है ना ये आपकी तीन वेक्टर वेक्टर ए बी सी इनको याद रख लो कौन से डिरेक्शन में कैसे क्रॉस में ठीक है चलो तो फिर मैं क्या करता हूँ फर्स्ट वेक्टर ए को ड्रॉ करूँ देखो ये मेरा वेक्टर ए बनेगा ऐसे ए कौन है वेक्टर ए चलो ये देखो ये आपके एसोसिएटिव लो है ना ए प्लस बी मतलब ए और बी का मैं एडिशन करूँ और उसके ऊपर मुझे वेक्टर सी को ऐड करना है तो वेक्टर बी रेड कलर से ऐसे क्रॉस में चलो तो ये आपका क्या होगा वेक्टर बी दिस विल बी आर वेक्टर बी तो ये दोनों की जो रिजल्टेंट एडिशन है वो ये बनेगी ना वेक्टर ए प्लस बी यस और नो चलो उसके अंदर आपको क्या करना है वेक्टर सी को ऐड करना है तो वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से ऐसे क्रॉस में एक मिनट क्रॉस में ठीक है तो ये जो होगा ये देखो ये आपका क्या था वेक्टर सी ये क्या था आपका वेक्टर सी और ये क्या था ए प्लस बी तो आपने वही किया ना वेक्टर ए प्लस बी के हेड के ऊपर वेक्टर सी की टेल रखी जैसे यहाँ पे ए के हेड के ऊपर बी की टेल थी तो ये दोनों का एडिशन था तो वैसे ही यहाँ पे ए प्लस बी और ए सी का एडिशन है तो मतलब ये आपका इन शॉर्ट रिजल्टेंट है ये आपकी क्या है आपकी रिजल्टेंट समझे कि नहीं क्लियर तो वो किसके बराबर होगा सो दिस विल बी ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी अब देखो मैं उल्टा करता हूँ क्या यहाँ पे मुझे एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है तो ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मतलब देखो कि b प्लस सी का एडिशन का जो आपको मिलेगा उसको आप कहाँ पे किसके साथ हेडेड है, है वो वेक्टर a के साथ तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर b प्लस सी निकालू कि नहीं पहले यस और नो चलो तो ये वेक्टर b तो b के हेड के ऊपर वेक्टर c की टेल देखो यहाँ पे ये वेक्टर b ठीक है b के ऊपर वेक्टर c की क्या होगी टेल तो ये देखो वेक्टर c ये आपकी कौन है वेक्टर सी तो ये दोनों का एडिशन ये मिलेगा कि नहीं वेक्टर बी प्लस सी यस और नो ठीक है अभी ये वेक्टर बी प्लस सी कहाँ पर एडेड है ए के ऊपर मतलब कि जहाँ पे वेक्टर ए का हेड होगा वहाँ पे इनकी टेल होगी तो ये देखो ये इनकी टेल है कि नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जैसे वहाँ पे उनका हेड आ जाए ठीक है ऐसे देखो ये क्या बनेगा आपका वेक्टर ए चलो तो मैं ये देखो वेक्टर ए के हेड के ऊपर मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेक्टर बी प्लस सी की टेल है तो मतलब यहाँ ये जो साइड मिलेगी वो आपकी क्या होगी ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी और देखो दोनों केस में क्या है सिमिलर नहीं मिल रही है आपको देखो दोनों केस में सिमिलर है कि नहीं तो मैं बोल सकता हूँ एसोसिएटिव लो यहाँ हो फॉलोवर है देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दूँ कि वेक्टर बी और ये वेक्टर सी का एडिशन तो ये जो बी प्लस सी है वो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना वेक्टर बी प्लस सी यस और नो ठीक है देखो ये आपका वही बनता है वेक्टर बी प्लस सी तो देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वही वाली साइड मिली कि नहीं आपको तो मतलब आपका जो वेक्टर एडिशन है वो भी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फॉलो करेगा क्लियर चलो फिर नेक्स्ट तो फिर नेक्स्ट देखते कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन तो यहाँ पे देखो सिंपल है काफी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर ए और ए वेक्टर बी है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ठीक है तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे किया बी प्लस ए मतलब वेक्टर बी के हेड के ऊपर वेक्टर ए की टेल आ जाएगी तो ये देखो वेक्टर बी का हेड है और यहाँ पे वेक्टर ए की टेल है दोनों को ऐड किया तो आपको मिला बी प्लस ए ठीक है तो फिर मैंने राइट साइड को चेक किया बी प... <coughs> सॉरी यहाँ पे पहले मैंने राइट साइड को चेक कर लिया अभी लेफ़्ट साइड को चेक करूँ मैं यहाँ पे तो देखो ए प्लस बी तो वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल प्लेस करनी है देखो वेक्टर ए और ए वेक्टर बी तो ये क्या मिलेगा ए प्लस बी तो ये देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी और राइट साइड बी प्लस ए दोनों के लिए आपका जो रिजल्टेंट है ये सेम है कि नहीं यस और नो ठीक है ये दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम अगर एक नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर तो आपको वेक्टर को स्प्लिट करना है ठीक है और उसी को आप क्या बोलोगे रिजोल्यूशन तो जैसे आपने वेक्टर एडिशन किया कि दो वेक्टर को ऐड करके आपने थर्ड उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाया तो अगर उसी थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे देखो कि मानो कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये आपके दो वेक्टर का एडिशन है वेक्टर ए एक ऑन है वैक्टर ए और एक ऑन है वैक्टर बी तो ये दोनों को ऐड करके आपने थर्ड वैक्टर बनाना उनका रिजल्टेंट तो अभी मैं उल्टा बोलूँ कि ये जो वेक्टर है अगर उसको मैं मुझे स्प्लिट करना है ठीक है उनको डिवाइड करना है उनको स्प्लिट करना है तो ये दो वेक्टर के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं क्योंकि ये दोनों का एडिशन कौन है ये तो अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ तो ये दो वैक्टर में डिवाइड कर सकता हूँ ठीक है तो आपकी जो स्प्लिटिंग ऑफ वैक्टर है दैट इज रिवर्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ वैक्टर एडिशन ठीक है वैक्टर एडिशन की वो रिवर्स प्रोसेस है क्लियर यस और नो तो आप वैक्टर को दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में आप यहाँ पर डिवाइड करते हो मैक्मम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे द रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इज जस्ट अपोजिट टू दैक्टर एडिशन ये सबको पता है चलो जब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करोगे वेक्टर को ठीक है तो उनको आप क्या बोलोगे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सो व्हेन वेक्टर इज अ रिजल्ट अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द कंपोनेंट्स ऑफ आर ऑप्टेंट आर कॉल्ड रैक्टेंगुलर कंपोनेंट तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपकी यहाँ पर एकस एक है और एक कौन से एक्सेस है वाई एक्सेस और यहाँ पे ये आपका है वेक्टर ए ओ टू पी आपकी कौन है वेक्टर ए और हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है ठीक है फिर मैंने क्या किया ये पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया ए एम और यहाँ से वाई एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया एन तो पी एन आपकी नॉर्मल बनेगी तो यहाँ पे देखो कि ये जो वेक्टर ओ एम होगा उसको मैं क्या बोलूँगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इतने ओ एन वैक्टर को यहाँ पे ऐड करूँ इनके ऊपर ठीक है तो देखो ये दोनों वैक्टर का एडिशन क्या बनेगा ओ पी बनेगा कि नहीं क्लियर तो यहाँ पे ये इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ठीक है ओ एम एक्स की डायरेक्शन में ए एक्स वैक्टर ठीक है एक्स की डायरेक्शन में और यहां पे देखो ओ एन वाई के डायरेक्शन में आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो हो ए आई वैक्टर तो हॉरिजोंटल कंपोनेंट क्या होगा ए वैक्टर एक्स आई के आई के पता है ना आपको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यूनिट वैक्टर है ठीक है और ए एक्स इनका मैग्नीट्यूड होगा सेम फॉर ए वाई यस और नो ए वाई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे और ए कौन से डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं जे के क्लियर इतना आई होप सबको समझ में आ रहा है ना चलो तो देखो यहाँ पे वही बोला है ओ पी कौन है आपकी फाइनल वेक्टर, ठीक है तो ओ एम प्लस ओ एम प्लस ओ एन ओ एम प्लस ओ एन ए एम पी किसके बराबर होगा ओ एन के बराबर ठीक है क्लियर तो ओ एम कौन है आपका एक्स के डायरेक्शन का कंपोनेंट ओ एन कौन होगा वाई के डायरेक्शन का कंपोनेंट एक्स और ए वाई वैक्टर अब देखो आपको पता है कि यूनिट वैक्टर के टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपने अभी अभी बोला था ना एक्स किसके बराबर होगा एक्स ऑफ आई कैप और ए वाई किसके बराबर होगा ए वाई ऑफ जे कैप तो वैक्टर ये क्या होगा ए एक आई केब प्लस ए वाई जे केब क्लियर चलो ये इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके अंदर ठीक है तो ये एडजेसेंट साइड है कि नहीं क्लियर तो ये थीटा एंगल है क्लियर तो यहाँ पे अगर ट्राई ओ पी एम के अंदर ट्राइंगल ओ पी एम के अंदर एक बार साइन फंक्शन लगाओ साइन थीटा और एक बार क्या लगाओ कास थीटा तो क्या बनेगा दिखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो एक बार मैंने लगा दिया कास थीटा ठीक है चलो तो कॉस थीटा लगाओ तो कॉस थीटा क्या होगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटीनियस तो देखो मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा ए एक्स के बराबर क्लियर और उनका हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा आपका ए वेक्टर ओ पी होगा तो डिवाइड बाय ए होगा कि नहीं तो ए एक्स की जगह पे ए एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए थीटा और यहाँ पे देखो साइन थीटा अगर मैं लगाओ तो साइन थीटा में क्या होगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस अपोजिट साइड क्या होगी एम पी एम पी किसके बराबर होगा ओ एन के बराबर ओ एन किसके बराबर होगा ए वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर तो ए वाई डिवाइड बाय ए तो देखो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू ए कास्थ थीटा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा कास् थीटा के साथ और वर्टिकल बनेगा साइन थीटा के साथ अगर मानो कि ये दोनों को ऐड करूँ ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को तो आपको क्या क्या बनना चाहिए ए बनना चाहिए ना ठीक है तो यहाँ पे देखो ए एक स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर तो ये क्या होगा ए एक्स की जगह पे ए का थीटा ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा ए वाई की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कामन करो तो मिल गया कि नहीं आपको आंसर तो 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 ए एक स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या होगा ए ए वाई के बराबर ही है ना मैग्नीट्यूड में ए वाई डिवाइड बाई ए एक सो थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स अब देखो मैं सिंपल बोलूँ ये जो वेक्टर स्प्लिट करना है ना वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके क्लास एलेवेंथ में तो है ही लेकिन क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट यूनिट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट है तो वहाँ पे ख़ास इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इनका सिंपल याद रखो अगर मानो कि किसी ने यहाँ पे इनके साथ मानो कि एक फोर्स है एफ इसने इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बनाया तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट में कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना जिसके साथ एंगल बनेगा ना थीटा उनकी डायरेक्शन का कंपोनेंट मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सो दैट विल बी एवकॉस थीटा देखो यहाँ पे था ना ठीक है आपने यहाँ पे लिखा ना अभी देखो एक्स इक्वल टू क्या लिखा आपने एक थीटा क्लियर एक्स आपने क्या लिखा एक थीटा ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उनसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी आपकी वर्टिकल वन ठीक है तो वो क्या बनेगी एफ साइन थीटा यस और नो ठीक है याद रखो जिसके साथ एंगल यहाँ पे बना रहा है ठीक है अगर मानो कि इसको मैं ऐसे लिखता कि मानो कि एक फोर से ठीक है और ए फोर्स ने ना इसके साथ थीटा एंगल बनाया इसके साथ थीटा एंगल बनाया ठीक है तो जिसके साथ थीटा एंगल बनेगा उसके डायरेक्शन में मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा तो ये क्या होगा आपका एफ एवकाज थीटा और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा आपका एफ साइन थीटा आई होप सबको समझ में आ रहा है ठीक है क्लियर तो ऐसे कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे चलो क्वाड्रेंट वाइज जाते तो मानो कि ये आपकी ये वाले डायरेक्शन में इसने ऐसे एफ ने एंगल बनाया ठीक है थीटा तो इनके दो कंपोनेंट कौन से कौन से बनेंगे देखो जिसके साथ एंगल बना वो वाले डायरेक्शन में क्या होगा कॉस थीटा ठीक है और उनसे परपेंडिकुलर ये बनेगा एफ साइन थीटा यस और नो चलो अगर ए फोर्स ये वाले डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे कोई थीटा एंगल बनाती, ठीक है मानो कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा और उनसे परपेंडिकुलर क्या रहेगा एफ साइन थीटा यस और नो अगर ए एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का अगर मैं रिजल्टेंट निकालू तो मुझे क्या मिलेगा एफ मिलेगा अब देखो एक और चलो मानो कि यहाँ पे ऐसे वो फोर्स एंगल बना रही है थीटा ठीक है तो देखो यहाँ पे सो दिस वन विल बी एफ कॉस थीटा और ए उनसे परपेंडिकुलर क्या बनेगा एफ साइन थीटा यस और नो ठीक है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन है वर्टिकल कंपोनेंट फिर देखो अगर मानो कि ये वाले डायरेक्शन में मैं कंसीडर करूँ फोर्स एफ ने यहाँ पे एंगल बनाया थीटा तो यहाँ पे भी देखो इनका एक जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस कंपोनेंट और उनसे परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है ये आपका कॉस हमेशा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हमेशा क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये देखो साइन हमेशा क्या रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट आई होप सबको अभी यहाँ तक क्लियर है ठीक है तो ये आपका क्या था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और इनको अच्छे से याद रखना ठीक है अगर एव कॉस थीटापर डायरेक्शन में होगा और सेम लाइन के साथ यहाँ पे देखो एफ कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये दोनों कंपोनेंट की नेट एडिशन क्या बन जाएगी आपकी जीरो आई होप सबको अच्छे से वीडियो समझ में आई है ठीक है तो ऐसे ही बने रहो मेरे साथ अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू था और मेरा टाइम टेबल थोड़ा ज़्यादा पैक हो गया था तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन अभी से आपको रोज रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी सो स्टे स्टेट कीप सपोर्टिंग ओके थैंक यू बाय